अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। डेली वोकैबुलरी वर्ड इज टूथसम। इट वाज अ रिक्वेस्ट बाय मीर जुबैर एंड मीर, हियर्स योर लेसन। टूथसम हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, वन इज टेस्टी, सेकंड इज गुड लुकिंग। अगर कोई चीज वो खाने में बहुत मजेदार है, टेस्टी है, डिलीशियस है, तो उसके लिए आप ये वर्ड टूथसम यूज करेंगे। इसका जो सेकंड मीनिंग है गुड लुकिंग, अगर कोई चीज देखने में बहुत अच्छी है तो उसके लिए भी आप ये वर्ड जो है टूथसम यूज कर सकते हैं। या जो देखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग इंसान है तो उसके लिए आप ये वर्ड टूथसम यूज कर सकते हैं। कोई सीनरी हो सकती है, कोई इलाका हो सकता है जो बहुत ही खूबसूरत हो देखने में, तो उसके लिए भी आप टूथसम वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई आर्ट वर्क हो सकता है, कोई पेंटिंग, कोई इसी तरह का आर्ट वर्क जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए भी आप ये वर्ड टूथसम यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट के टूथसम जो है वो किसी डिलीशियस टेस्टी चीज के लिए, खाने पीने की चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या कोई चीज जो देखने में बहुत खूबसूरत है तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस नूडल्स रेसिपी इज टूथसम एंड यू मस्ट ट्राई इट। कि ये जो नूडल्स की ये वाली जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, और तुम्हें इस रेसिपी को ट्राई करना चाहिए। आवर सेकंड एग्जांपल इज एवरीवन विशेस फॉर हैविंग अ टूथसम लाइफ पार्टनर। कि हर एक इंसान का जो है वो ये ख्वाहिश है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत टूथसम हो, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग हो। अ थर्ड एग्जाम्पल इज इट वॉज अ टूथसम परफॉर्मेंस। कि ये जो परफॉर्मेंस थी, जो भी आपने देखी परफॉर्मेंस, ये बहुत ही टूथसम थी, मतलब कि बहुत ही गुड लुकिंग थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।